अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरे चैनल ब्यूटीफाई बाय अंबर और मैं हूं अंबर जी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा जी। तो दोस्तों, लाजमी मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। वैसे तो आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस जो है वो कमेंट में भेजते हैं, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो जी तो दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ की जो है वीडियो बनाऊँगी वो है ओवल फाउंडेशन ब्रश। जी तो फ्रेंड, आज मैं इसका आपको रिव्यू दूंगी कि ये बेस जो है हमारे बड़े अच्छे से बनाता है या नहीं बनाता, कितना टाइम लगता है हमें बेस अपनी सेट करने में, और ये सॉफ्ट है हार्ड है जो भी है, मैं आपको इसका ऑनर जो है वो रिव्यू दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है फाउंडेशन ब्रश, ये आप देख सकते हैं कलर इसका ब्लैक है। और ये जब मैंने लिया था तो मुझे लगा था कि ये तो एक दो बार ही बेस में नहीं बनाने से ये जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसकी जो है स्टिक हैंडल, सॉरी, वो बहुत ना मुझे बारीक सा लगा था। तो बाजू का जब फाउंडेशन हम ब्लेंड करते हैं तो हमें थोड़ी तेज़ी भी दिखानी पड़ती है, तो मुझे लगा था एक दो दफ़ा ही ये टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर के इसके ब्रिसल्स हैं, और जो मैंने इससे ब्लेंडिंग की है आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसी से ही ब्लेंडिंग की है, और बहुत अच्छा जो है ये फाउंडेशन ब्रश है हमें। हाँ जी, तो मुझे यहाँ पे इसका ओवल जो ब्रश है वो अच्छा लगा, और मैंने बेस वगैरह जो है उसी से ही सेट की है। तो आप इसको ले सकते हैं, और ये इतने ज़्यादा प्राइस में भी नहीं है, मार्केट में हर जगह ये जो है अवेलेबल है जी। फ्रेंड, इसकी प्राइस भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है। और ये वैसे तो ये 3-4 पैकिंग में है, छोटा भी है इसका, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये एक है। ब्लेंडर से मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लगा कि, और अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाजमी कर दीजिएगा, लाजमी अभी अभी अभी, और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जी। फ्रेंड, आए चल के दिखाते हैं कि मैंने अपना ये जो बेस है ये इस ब्रश से जो है वो कैसे रेडी की है जी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस ब्रश से जो है अपनी बेस सेट करेंगे, लेकिन बेस सेट करने से पहले मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको रिव्यू दिया था होममेड सेटिंग स्प्रे का, वो मैं अपने फेस पे जो है स्प्रे करूँगी। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा जी। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे जो है वो लगा लिया है, यहाँ पे फाउंडेशन मैं थोड़ी सी लगाऊंगी जी। तो यहाँ मैं अपने फुल फेस पे जो है वो फाउंडेशन लगाऊंगी, और इसे ब्लेंड करके देखेंगे कि ये इजीली जो है वो ब्लेंड हो जाती है या नहीं हो जाती जी। तो दोस्तों, अब हम इसको यूज़ करेंगे जी। अब मैं फाउंडेशन जो है उससे बेस बना रही हूँ, और ये देखिए बहुत अच्छी से बेस जो है वो मेरी बन रही है। देखिए, ओवल ब्रश जो है ये काम करता है, और आप भी ज़रूर बाय करें, बहुत अच्छी से जो है वो मेरी बेस सेट हो रही है जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे जो है शाइन आ गई है, और फेस जो है मेरा बिल्कुल बैलेंस है, फाउंडेशन जो है कहीं भी कोई क्रीज वगैरह नहीं हो रही जी। तो दोस्तों, आप इसको बाय कर सकते हैं, ये बिल्कुल वर्क करता है जी। तो यहाँ पे मेरी जो बेस है सेट हो गई है, और ये मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ जी। बहुत सिंपल है इससे बेस बनाना जी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे फीडबैक लास्ट में दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।